नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचोत्रा। पीएम नरेंद्र मोदी को आज पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण पीएम की यह रैली कैंसिल कर दी गई। पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठजोड़ किया है। वहीं आपको बता दें कि पीएम फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखने वाले थे। पीएम को हुसैनीवाला शहीद स्मारक भी जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्होंने हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से वहां जाने का निर्णय लिया, जिसके चलते वो सड़क मार्ग से हुसैनीवाला शहीद स्मारक जा रहे थे। लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद पीएम मोदी ने वापस लौटने का फैसला लिया। पीएम मोदी जैसे ही फ्लाईओवर पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था, जिसके कारण उनकी गाड़ियों को रोकना पड़ा। हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद मेमोरियल से करीब 30 किलोमीटर दूर जैसे ही पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा, वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी वहां 15 से 20 मिनट तक जाम में फंसे रहे। वहीं पीएम मोदी के काफिले में सुरक्षा सेन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। प्रदर्शन के कारण पीएम का काफिला रुक गया तो एसपीजी के जवान उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पीएम की यात्रा की जानकारी पंजाब सरकार को पहले ही दे दी गई थी। नियमों के अनुसार राज्य सरकार को जरूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। सुरक्षा बलों को आपदा सुरक्षा योजना तैयार रखनी चाहिए थी। पंजाब सरकार को सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया है। अब पंजाब सरकार को जल्द इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।